दिखाओ कौन कौन से लिए हैं, अच्छे लग रहे हैं दोनों पे। अच्छे दामिनी, उर्वा, चंपा, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल हिमानी जोशी ब्लॉग। तो आज है मतलब बारिश हो रही है, आप आवाज़ से सुन रहे होगे बारिश हो रही है और यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। मेरी वाली बालकनी से अच्छा व्यू नहीं दिखता मतलब मेरे वाले रूम से, बिकॉज यहाँ पर एक मतलब यू नो यानी क्या है ये मतलब छत छज्जा टाइप का पता नहीं क्या है, बट मेरे जो इस साइड वाले रूम है ना वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू दिखता है। और मेरे वाले से ऐसा यहाँ से ये है तो यहाँ पे सीधे कपड़े ही डालने का है और कुछ नहीं है, और पानी भी आता है तो कपड़े सारे भीग जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ जहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू दिखता है, तो दिखाऊंगी मैं कितना अच्छा व्यू दिखता है और मन कितना खुश होता है सब चीज़ देख कर। सो मतलब दिखाती हूँ सीधे, मैं बात कम करती हूँ। ओके सो अभी मैं वहाँ पर ज़्यादा बोल नहीं पाई बिकॉज वो रूम मेरा नहीं है, वहाँ की विंडो से मतलब फिर यू नो लोग पूरे तंग कर दिया ये, तो वहाँ पर बोल नहीं पाई, तो मैंने सिर्फ रिएक्शन दे दिया कट ओवर एक्टिंग के वजह ऐसे वाला। तो अभी मेरा मन है मैगी खाने का बिकॉज बारिश का मौसम है और मैगी नहीं खाई तो मतलब क्या ही खाया, तो मैगी बनाने कुछ है तो नहीं, कैटल में मैगी बनाऊंगी मैं। और मेरी रूममेट अंदर पड़ रही है और मैं यहाँ ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है मुझे अच्छा लगता है। सो अभी मैगी बनाते हैं। मनीषा, तो मनीषा भी पढ़ रही है, नोट्स बना रही है फ़ोन से। मनीषा बहुत दिन भर पढ़ती है, अब कुछ झूठ बंद हो गया तो हमेशा झूठ बोलती है ये है। अभी हमारा ना रूम बहुत मैसी हो रहा है, फैला है, बट कोई नहीं। तो अभी मैं मैगी बनाऊंगी इस कैटल पे। मैगी गई कहाँ, तो मतलब यहीं पर ही कहीं होगी। हाँ ये है मैगी, तो अभी मैं इस मैगी को बनाने वाली हूँ इस कैटल पर, क्योंकि हमारे पास और कुछ है नहीं। सो या मुझे मैगी बनानी आती नहीं है कैटल पे, बट पहले इसमें थोड़ा पानी बॉईल करते हैं, ऐसा है मनीषा का कहना। तो इसमें थोड़ा ऐसे करके देखो ये पानी है, इसको थोड़ा उबाल लेते हैं यहाँ पे। और मनीषा इसको बंद भी करूँ क्या, तो उसको अभी बंद कर दिया है, जब ये उबल जाएगा तो इसमें हम लोग मैगी डाल देंगे। यह है मैगी, देखो धुआँ आ रहा है, थोड़ा पानी उबल गया है, अब मैं इसमें मैगी डालती हूँ। थोड़ा ही पानी है और इतना सारा धुआं निकल रहा है इसमें से। दिखा अब मेरे साथ कुछ हेल्प कर रही है हमारे यहाँ। ओ यार तेरा हाथ तो नहीं चला, थोड़ा पानी और डालूँ क्या, जल रहा है पानी डाल, और डालूँ पानी। ये हमारा फर्स्ट टाइम है कैटल पे, तो तब हमसे थोड़ा ऐसा हो रहा है, पर ठीक है फिर हम सीख जाएंगे ऐसे धीरे धीरे। सो अभी मनीषा ने हमारी हेल्प की है मैगी बनाने में, यह है मनीषा, शुक्रिया मनीषा। और हमें ना थोड़ी स्मेल नहीं लगे जलने की, तो ठीक है, बट ठीक है हम ऐसे सीखेंगे धीरे धीरे करके कि कैसे बनाते हैं करके चीज़ों को, क्योंकि हमें ऐसे कुछ हैबिट नहीं है बनाने की। सो या एक तो मैं ना आपको पीछे ऐसे करके मैंने दिखा सकती, क्या ही दिखाऊँ, पीछे छज्जा दिखेगा कुछ दिन लाइक है नहीं, मौसम अच्छा हो रहा है, बट फिर मैं छोटी हो जाऊँगी ऐसे ऐसे कैसे, चलो छोड़। सो अभी मैगी को मैंने 5-10 मिनट मतलब ऐसे छोड़ रखा है, ताकि इसलिए छोड़ा है वो ताकि वो अच्छे से क्या हो जाए मतलब बन जाए। 5-10 मिनट ऐसे छोड़ा है। सो वो है मेरी कैटल वहाँ पे, 5 मिनट बाद मैगी बनेगी, जब मैं ऐसे करके उसको खाऊंगी तो दिखाऊंगी कैसा टेस्ट हो रहा है। सो फाइनली बन गई है मैगी, अब मैं इसको ऐसे करके यहाँ से लेकर जाती हूँ अपने बेड पे। चलो मैगी खाएं। अभी मैं थोड़ी मनीषा को भी दूंगी, तो वो बताएगी कि इसका टेस्ट कैसा था। सो अभी मैं अपनी मैगी के साथ हूँ, यह है मैगी, इतनी सी बनी है क्योंकि ना ये बहुत सूखी सूखी है ना, इसका थोड़ा मतलब वो पानी वाली मैगी नहीं है। तो अभी मैं अपने यहाँ पर बैठ पर हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और यहाँ पर बहुत मतलब ठंडा हो रहा है, तो बाहर निकलने का तो कोई सवाल नहीं उठता। और मनीषा मतलब जो है मेरी रूममेट वो सो गई है अभी पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है तो बारिश की आवाज़ ज़्यादा नींद अच्छी आती है, तो अभी मैं इसको खा के पता था कि कैसा हो रहा है। अभी मैं वाले चम्मच लेके आते ना वहाँ से 10 रुपए की, तो उसी से खाती है ना। सही है, खाने लायक हो रही है, मतलब थोड़ी टेस्ट जले का आ रहा है, बट ओवरऑल अच्छी है। तो कैटल में मैगी बन सकती है, मतलब सब लोग बनाते होंगे, बट हमारा ही फर्स्ट टाइम था, या उसके बाद भी अच्छी है।
few moments later. So guys, अभी आंटी हमें बता रही है कि हमें घूमने कैसे जाना है. तो यह है आंटी, सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं, आंटी हमें गाइड कर रही है और इसके थ्रू हम लोग जाएंगे घूमने. पलट 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 ना. सो अभी हम लोग जा रहे हैं पिथौरागढ़ की मार्केट. ये मनीषा तनिका और अभी हमें आगे कुछ पता नहीं है. हम यहाँ पे पहली फर्स्ट टाइम गोलगप्पे खाने जा रहे हैं. बस उनमें थोड़ा अच्छा टेस्ट होता है क्योंकि और सब फास्ट फूड तो यहाँ पे बिल्कुल और सबके मन में पिथौरागढ़ अच्छा होगा, बट यहाँ पे खाने के मामले में कोई फास्ट फूड तो बेकार है. सो ये है जहाँ हम लोग जा रहे हैं और इतनी धूप हो रही है. कहाँ जा रहे हो गोलगप्पे खाने? देखो सामने सॉफ्टी खाए मैं खिला. अभी हम गोलगप्पे की दुकान ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है. हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि वो कहाँ है. हमें भी सत्कार के वहाँ जा रहे हैं. देखो सामने भूखू है. अभी हम यहाँ पे चटाई पूछ रहे हैं. ये सामने पे दुकान है रूम के लिए चटाई. फाइनली हमने ये चटाई ले लिया 100 रुपये में और मैंने बार्गेनिंग करी है. मेरे साथ तो भाग रही थी. इसका क्रेडिट जाता है मुझे, थोड़ा तनिका का. तो कैसे हमने यहाँ वो खा रखे हैं पानी पूरी और बहुत अच्छी हो रही है. इसने नहीं खाई और ये बहुत अच्छी दुकान है, आपको यहाँ आना चाहिए. हमने आइसक्रीम खाई है और ये बहुत पता नहीं कैसी है. सो गाइस ये वाली शॉप से हमने गोलगप्पे और आइसक्रीम खाई है जो कि बहुत अच्छी है. दामिनी, उर्वा, चंपा, एक खाना, एक खाना, उसके बाद ऐसा भी सिद्ध रहेगी. बहुत अच्छा था. अभी मैंने ये यहाँ से सामान लिया है इतना, बिकॉज इस शॉप में बहुत अच्छा सामान मिल रहा है और ये लोग अभी भी देखो लेने में लगे हैं. सो अभी तो सामान मैं घर पे जाके दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया. और यह सब मनीषा दिखाओ कौन कौन से लिए हैं. अच्छे लग रहे हैं, 2 रुपए अच्छे लगेंगे. सो अभी हम ये झाड़ू लेकर आ रखे हैं रूम के लिए क्योंकि हमें रूम को बहुत अच्छे से सफाई करनी है और हमें बहुत लेट हो चुकी है. तो एंट्री भी हमारी बहुत लेट हो रही है. ये देखो. सो फाइनली मैं अभी रूम पे हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ सच में. हाँ, और मैंने कितना सामान लिया है इसमें ना, सारा जो 10-10 रुपये का सामान नहीं होता है वो है, मतलब हॉस्टल के लिए बहुत अच्छा सामान, लाइक ब्रश हो गया, बहुत अच्छा अच्छा सामान है तो सस्ता मिला था और मैं ले आई. और कौन कौन सा सामान है? और है हमारे पास ये चटाई, मैट, ये देखो झाड़ू. तो यार इतना हमारा सामान है. और वो लोग बोल रहे थे भाई से खाना खाने मेस में आ जा, बट मैं नहीं गई क्योंकि मुझे रूम पे आना था, सामान को रखना था. अब मैं जाऊंगी. बाय बाय, मिलते बाद में.